बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमेशा आंखों देखी पर ही विश्वास करना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर किसी घटना पर खुली आंखों से भी विश्वास ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस फानी दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन घटनाओं के घटने की वजह किसी को मालूम नहीं होती। ऐसे में लोग इन्हें चमत्कार कहकर नमस्कार करने लगते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ही होता है। अमेजिंग मोमेंट सीरीज के पार्ट वन में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही हैरतअंगेज घटनाओं के वीडियोस, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। सब्सक्राइब कर दिया है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये घटना हरियाणा के करनाल स्थित कुचपुरा गांव की है, जहां जुलाई 2021 में बारिश के बाद पानी से लबालब एक खेत की जमीन चमत्कारिक ढंग से अचानक ऊपर की तरफ उठने लगी। जिस समय यह घटना घटी उस समय वहां कई गांव वाले मौजूद थे, जिन्होंने इस रहस्यमय घटना को फौरन अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जमीन के यूं अचानक ऊपर उठने के इस वाकये से गांव वाले भी हक्के बक्के रह गए। जमीन किस तरह उठने लग रही भाई? ये देखो भाई, जमीन उठने लग रही अपने आप। ये देखो भाई, ओ उठ गया, ओ उठ गया। और किस तरह पानी जान लग रहा है भीतर, देखो। ओ देखो मेरे भाई, पानी देख किस तरह जान रहा। ये घटना किसी को भी हैरान करने के लिए काफी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस घटना पर रिसर्च किया तो पाया कि लगातार गर्मी और सूखा पड़ने के चलते उस जमीन के नीचे का तापमान काफी बढ़ गया था, जिसके चलते जमीन भरभरी हो गई थी। फिर जब भारी बरसात हुई तो जमीन के नीचे की गैस में बदलाव आया और उसमें दबाव बनने लगा, जिसके चलते ये जमीन ऊपर की तरफ उठ गई। इटली के मिलान में जुलाई 2023 में घटी ये घटना आपको हैरान कर देगी। इस दुर्लभ वीडियो में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद यहाँ सड़कों पर बर्फ की बाढ़ दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कि भला बर्फ की बाढ़ कैसे आ सकती है, तो बता दें कि इस बारिश के दौरान आसमान से लगातार 10 सेंटीमीटर मोटे ओले भी गिरे थे। बरसात थमने के बाद जब पानी बहने लगा तो ये ओले आपस में मिलकर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल गए और गलियों में बहने लगे, तो बर्फ की बाढ़ का रूप ले लिया। इस वीडियो में हम आपको कुदरत का एक कारनामा दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। ये घटना महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक बादल फटने के चलते ऐसा मंजर हो गया। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई झरना गिर रहा हो। प्रकृति का यह अद्भुत नजारा सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है, साथ ही सबको हैरान भी कर रहा है। इस वीडियो को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदमी इस बवंडर को अपनी अदृश्य शक्तियों से कंट्रोल कर रहा है, तो आपका सोचना गलत है, क्योंकि न तो इस भैया जी के पास कोई अदृश्य शक्ति है और न ही ये शक्तिशाली बवंडर इस दद्दा से कंट्रोल होने वाला है। ये तो बस इनके खुराफाती दिमाग की कारस्तानी है, जिसे देखकर हर कोई इस भ्रम में पड़ रहा है कि ये दद्दा जी तो शक्तिमान है। नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में इस पेड़ पर इतनी सारी बकरियों को चढ़ा देखकर हर कोई दंग रह गया था। वैसे ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, बल्कि अर्गानिया का पेड़ है। इसके बीज और इससे निकला ऑर्गन ऑयल की खूब डिमांड रहती है, लेकिन कंटेला होने के चलते कोई इस पर चढ़ने की रिस्क नहीं लेता, लेकिन बकरियों को इसके फूल बहुत भाते हैं, इसलिए इन्हें इन पेड़ों पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके बाद बकरियां कांटों की परवाह किए बगैर बड़े आराम से इस पर चढ़ जाती है और जी भर कर फल खाती है। बकरियां इन फलों के बीज पचा नहीं पाती, इसलिए या तो उन्हें थूक देती है या फिर पाचन क्रिया के जरिए बाहर निकाल देती है, जिसे इकट्ठा करके लोग ऑर्गन तेल के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, जहां ऊंट जैसे बड़े दूसरे जानवर कुछ फीट की ऊंचाई से खुद को नहीं संभाल पाते, वहीं ये पहाड़ी बकरियां दर्जनों फीट ऊंची दीवार पर बड़े आराम से चढ़कर चल फिर लेती हैं। इतना ही नहीं, इतनी ऊंचाई से ये दीवार पर ही एक जगह से दूसरी जगह तक जंप भी कर रही है। ये नजारा किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। वैसे जंगल के ये जानवर अपने जिगरे के लिए जाने जाते हैं। जानवर तो छोड़िए, हिम्मत के मामले में ये बाज जैसे पंछी भी किसी से कम नहीं है। यकीन ना हो
तो ये वीडियो देख लीजिए जिसमें ये बाज खुद से 3 गुना भारी लोमड़ी को पंजों में जकड़कर पतंग की तरह हवा में ले उड़ता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये कविता हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी जल में रहने वाली मछलियों को जल के बिना भी जीते देखा है? हम कहेंगे जीते ही नहीं बल्कि उड़ते भी देखा है। आप भी देख लीजिए, पानी के बाहर उड़ने वाली ये मछली मोब्युला प्रजाति की है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कई जगह पाई जाती हैं। इन्हें फ्लाइंग मोब्युला या फ्लाइंग रेज के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये पानी की सतह से 2 मीटर की ऊंचाई पर 45 सेकंड तक उड़ सकती हैं। क्यों रह गए ना हैरान? आइए उड़न मछली के बाद आपको ऐसी ट्रांसपेरेंट मछली दिखाने जा रहे हैं जिसके शरीर में आंखों के सिवा कोई और ऑर्गन नहीं दिखता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। आज हम ऐसे ही एक पौधे के बारे में आपको बताएंगे जिसकी पत्तियों से आप अपने शरीर पर टैटू बनवा सकते हैं। सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा लेकिन ये दिलचस्प बात 100% सच है। टैटू बनाने वाली ये डिजाइनदार पत्ती न्यूजीलैंड सिल्वर फर्न पेड़ की है जो यहाँ की राष्ट्रीय सिंबल है। इसे हाथ पर रखकर जोर से दबाने से यह हाथों पर टैटू जैसी आकृति बना देती है। इस वीडियो में दिख रहे ये टुकड़े कांच के किरचे नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े हैं। बर्फीले इलाके में बर्फ के ऐसे टुकड़े तब बनते हैं जब गर्मी का मौसम आने वाला होता है। इस मौसम में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर पिघलने लगते हैं और धीरे धीरे इस तरह के टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं जिसे कैंडल आइस कहा जाता है। भाई ये ट्रांसपेरेंट कैंडल आइस तो हमने पहली बार देखे हैं। पत्थरों को आपस में टकराने से आग निकलने की बात तो आपने सुनी ही होगी लेकिन आज हम आपको इससे भी एडवांस पत्थर दिखाने जा रहे हैं जिसे आपस में टकराने से करंट और आग निकलती है। अफ्रीकी देश कांगो से वायरल हुए इस वीडियो में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं कि इन पत्थरों से बल्ब भी जलाया जा सकता है। बाद में इस वीडियो को मोरक्का यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर भी शेयर किया गया जिसमें कहा गया कि ऐसा लिथियम के कारण होता है। जहां ये पत्थर पाए जाते हैं वो इलाका लिथियम के प्रमुख स्रोत में से एक है। दोस्तों, आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार जो दिख रहा होता है वो आंखों का धोखा भी हो सकता है। यकीन ना हो तो ये मजेदार वीडियो देख लीजिए जिसमें आसमान से उड़ता हुआ एक प्लेन अचानक बैलेंस खो बैठता है और किसी भी पल क्रैश हो सकता है। लेकिन जैसे ही गिरने को होता है वैसे ही एक लड़का उसे पकड़ लेता है। क्यों रह गए ना हैरान? आइए अब आपको इस वीडियो की असलियत बताते हैं। असल में ये प्लेन कोई असली प्लेन नहीं बल्कि एक खिलौना है जिसे एक खुराफाती लड़का रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। इस वीडियो को ऐसे शूट किया गया था जिससे ये असली प्लेन की तरह दिख रहा था। आपको इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कि शायद कोई कुत्ता शेड पर मुंह निकाले बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। भैया पहले हम भी धोखा खा गए थे लेकिन जैसे ही इसने हरकत की सारा भ्रम टूट गया। ये तो बिल्ली निकली रे। आपको ऐसा ही आंखों का एक और धोखा दिखाते हैं। इस मटके को देखने पर ऐसा लग रहा है ना कि इसका ऊपरी हिस्सा घूम रहा है लेकिन असल में यहाँ चींटियां घूम रही है। वैसे चींटियों के घेर में घूमने का ये वीडियो देखकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके बताइए ना। यहाँ हजारों की तादाद में ये चींटियां एक साथ एक घेरे में घूमे जा रही है। यहाँ सूरज के ऊपर आए बादलों ने कुछ ऐसा रूप ले लिया जो दिखने में एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा है जिसकी आंखें तो ऐसे चमक रही है मानो किसी डरावनी मूवी का खतरनाक कैरेक्टर हो। 5000 साल पुरानी श्री वेंकटेशा बालाजी की इस मूर्ति को गौर से देखिए। जब आरती ऊपर की तरफ जाती है
तो विष्णु की मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आती है और जैसे ही आरती नीचे की तरफ आती है तो विष्णु की मूर्ति सामान्य मुद्रा में आ जाती है। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे रोशनी के रिफ्लेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। म्यूनिक के एलियांज एरेना में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच यूईएफए नेशंस लीग मुकाबला चल रहा था। इसी दौरान एक मनचले फैन को पता नहीं क्या सूझी कि उसने कागज का रॉकेट बनाया और उसे मैदान की ओर लॉन्च कर दिया, जो 20 सेकंड तक हवा में उड़ता हुआ घूमकर सीधा इंग्लिश गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड के पास नेट के पीछे जाकर गोल कर देता है। वाह जी वाह, कमाल कर दी ना। जिस रेगिस्तान में पानी की भी किल्लत रहती है, वहां मछलियों की नदी आ जाए तो आप क्या कहेंगे? शायद यकीन ही नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उससे आपको इस बात पर 100% यकीन हो जाएगा। यह घटना नामीबिया की है, जहां बरसात आने के बाद कुछ सूखी हुई नदियां बरसात के पानी से भरकर फिर से जीवंत हो उठती हैं। इसके बाद ये नदियां रेगिस्तान के रास्ते बहते हुए समुद्र की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसे में नदी के कीचड़ में पहले से मौजूद मछलियां रेत में यूं बहते हुए दिखने लगती हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड पर एक पहाड़ी का इतना बड़ा नाम है कि बोलने लगे तो जुबान थक जाए। फिलहाल आपके सहूलियत के लिए इसका शॉर्ट नाम बता देते हैं, टोमेटा। वहीं इसका पूरा नाम इतना लंबा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस नाम में कुल 85 अक्षर हैं। चलिए एक बार आपको ये नाम पूरा पढ़ाते हैं। जुलाई 2022 में क्रोवेन में इस विंड टर्बाइन पर बिजली गिर गई, जिसके बाद इसके एक फैन की एक विंग में आग लग गई और इससे निकलने वाले धुएं से एक रिंग के छल्ले निकलने लगे। ये अमेजिंग मोमेंट किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसी तरह इस हैरान करते वीडियो में एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। इस शेफ के कारनामे पर भी नजर डालिए, जो सड़क के एक किनारे से खाने को ऐसे उछाल देता है कि वो सीधे दूसरे किनारे पर खड़े वेटर की प्लेट में जाकर गिरता है। भाई वाह, इस शेफ जितना परफेक्ट निशाना तो बड़े बड़े निशानेबाज भी नहीं लगा पाते होंगे। इस वीडियो में ये छोटा सा बच्चा जैसे ही भोंपू बजाना शुरू करता है, वैसे ही उसके सामने मौजूद फवारे से पानी निकलते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। ये नजारा किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। यहाँ कुछ रनर्स एक के बाद एक लाइन में भागते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी परछाइयां लोगों का ध्यान खींच रही है। क्यों, है ना कमाल? तो दोस्तों, ये थी दुनिया को हैरान कर देने वाले वो अमेजिंग मोमेंट्स जिन्हें खुली आंखों से देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।